Hello students, in previous lecture we completed our exercise 10.1, right? और हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा व्हाट इज वेक्टर, देन पोजिशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, देन डायरेक्शन रेशियोज, एंड हमने देखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, राइट। देर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर, एंड हमने बात की थी कि हमें पूरे चैप्टर में किसकी बात करनी है, फ्री वेक्टर्स की बात करनी है, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, विच इज एडिशन ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ से लेके आप लोग अभी जो डिस्कस करेंगे हम लोग, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कुछ ऑपरेशंस देखने ऑन वेक्टर्स, राइट, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट, एंड देन उसकी फॉर्मूलाज जो है वो हमें देखनी है कि वेक्टर्स के लिए पर्टिकुलर टर्म्स में फॉर्मूला कौन सी है, हर एक टाइप के जो वेक्टर है वो कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हमें लर्न करनी। सो अभी इस सेशन में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के सम्स करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। सो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो क्या है, सिंपली कि दो वेक्टर का हमें पता है कि हमें एडिशन करना है, राइट। अब उससे पहले कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में भी बोला था जब हम लोग फ्री वेक्टर्स की बात कर रहे थे कि आप लोग वहाँ पे यूज़ करते हो जब भी वेक्टर एडिशन, तो वहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होता है, राइट। सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल लो फॉर वेक्टर एडिशन, राइट। सो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, राइट। उसमें करना क्या है कि अगर आप लोग कोई वेक्टर ले रहे हो यहाँ पे, जैसे फिगर में दिया हुआ है ए टू बी, एंड सेकेंड कोई वेक्टर ले रहे हो बी टू सी, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे और एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो जो वेक्टर है वो गिवन जो दो वेक्टर है उसका क्या होगा, एडिशन होगा, राइट। इन शॉर्ट कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म्स मिलेंगे कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स कि ए बी एंड बी सी का एडिशन करो तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, और वहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल लो फॉर वेक्टर एडिशन, राइट। अब इसी में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी है, राइट। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ फिगर्स दी हुई है, राइट। अब जैसे मैंने बोला था कि अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह की फिगर है जो वन में दी हुई कि कोई वेक्टर बी है जो कहीं और पोजीशन पे है, एंड आप लोगों को एडिशन फाइंड करना है, तो मैंने जैसे बोला कि एडिशन कैसे मिलता है, जब वो ट्रायंगल फॉर्म करे और दोनों के बीच में हम लोग वो थर्ड लाइन ड्रॉ करे तब। बट ये वेक्टर तो यहाँ पे है, तो हमने देखा कि हमें पूरे चैप्टर में किसकी बात करनी है, फ्री वेक्टर्स की बात करनी है, राइट। सो ये बी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि ला सकते हैं। देखो वहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। हमने सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया है, राइट। आप लोग उसे बोलते हो डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप लोग करते हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वहां पे उसको प्लेस करना, राइट। एंड देन इस केसेस में आप लोगों को फिर ए एंड सी क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर का एडिशन, और उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, राइट। अब सेम वे में सपोज आप लोग लोअर जा रहे हो, मतलब कि डाउन में जा रहे हो रिवर्स डायरेक्शन में, ये हमारा b है तो ऑब्वियसली उसके रिवर्स में जाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस b, राइट। और a एंड माइनस b के लिए हमें क्या मिलेगा, a माइनस b, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट। सो ये जो चीजें हैं वो एज अ फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखनी है, फिगर देख के आप लोग इजीली समझ सकते हो। ऑब्वियसली बी अपर डायरेक्शन में है तो उसका नेगेटिव वेक्टर जो है वो लोअर डायरेक्शन में होगा, राइट। एंड लोअर डायरेक्शन में है देन वहां पे क्या फॉर्म होगा, ट्राइंगल तो फॉर्म होगा, बट ये क्या हो जाएगा, ए एंड माइनस बी,
राइट सो उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ वही कंडीशन वर्डिंग में दी हुई है जो अभी हमने फिगर में देखी, राइट। ए बी इज इक्वल्स टू, अरे सॉरी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, राइट। दैट मीन्स की एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। और कुछ इस तरह से हम लोग उसे डिनोट करते हैं, ए प्लस बी, राइट। अब आप लोग अगर नेगेटिव ले रहे हो, राइट, ए सी इज इक्वल्स टू माइनस सी ए होगा वो हमें पता है, राइट। सो अगर आप लोग इन तीनों का एडिशन कर रहे हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट, सो आप लोगों को आना तो वापस वही है ना, ए बी देन प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तो ए से ए ही हो गया क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम है। और अगर सेम है तो फिर हमारे पास वेक्टर कैसा होगा, कुछ ए इंटू ए फॉर्म का, राइट। और उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर्स कहते हैं, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग पर्टिकुलर वेक्टर से स्टार्ट करके थर्ड वेक्टर भी उसमें ऐड कर देते हो तो उसका जो रिजल्टिंग आंसर है वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, राइट। और वो फिगर से क्लियर है कि आप लोग ए से स्टार्ट करके वापस ए पे ही पहुंच रहे हो, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाते हैं, और इसीलिए हमें वहां पे क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सेम वे में जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को नेगेटिव वेक्टर के लिए भी क्या मिलेगा, ए माइनस बी, और वो भी यहाँ पे क्लियर है कि अगर बी सी ले रहे हो तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस बी सी, एंड अगर आप लोग एडिशन कर रहे हो तो फिर यहाँ पे साइन कौन सी होगी, नेगेटिव, और हम उसे क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, आप लोग सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो। नॉर्मली हम लोग इस वेक्टर के चैप्टर में, मतलब कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग उसे डिफरेंस बोलते हैं, आप लोग सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो, एंड एडिशन भी हमने देखा, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वन मोर थिंग कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें पैरेललोग्राम लो देखना है, राइट। अब पैरेललोग्राम लो एग्जैक्टली है क्या, तो हम लोग उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो आप लोगों को एक फिगर दी हुई है। अब वहां पे है तो एडिशन ही वेक्टर का, राइट। हमें क्या करना है कि जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे दो वेक्टर्स लेने, एक हमने ले लिया ए एंड एक ले लिया बी, राइट। अब बी के लिए आप लोग यहाँ पे एज्यूम करो कि ये आप लोगों को ए एंड सी मिल रहा है वेक्टर, एंड ये बी एंड सी मिल रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है कि एक आप लोगों को टू एडजेसेंट साइड से, एक आप लोगों को उसका क्या बोलते हैं उसको डायगोनल ड्रॉ करना है, राइट। एंड आप लोग जो डायगोनल ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, नथिंग बट ए प्लस बी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ट्राइंगल ही फॉर्म कर रहा है ना, राइट। सो ए एंड बी के लिए, राइट, जब भी आप लोग पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वहां पे आप लोगों को ए प्लस बी ही मिलेगा, राइट। एंड जो ए प्लस बी हमारा है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग उसे मैग्नीट्यूड में फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अगर डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वहां पे हमें पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना पड़ेगा, राइट, एंड डायरेक्टेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट, राइट। सो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि टू एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स कि जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, राइट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, उस दो वेक्टर में से अगर आप लोग कोई डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो एंड आप लोग पूरा उसको पैरेललोग्राम बना रहे हो, तो वहां पे जो डायगोनल है वो क्या होगा, ए प्लस बी,
राइट सो ये अब आप लोगों को एडिशन की डेफिनेशन के बाद क्लियर होगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों को करना क्या है, राइट एंड वही कुछ चीज जो है वो आप लोगों को नॉट में भी दी हुई है, राइट कि पैरेललोग्राम एग्जैक्टली है क्या, तो ओ ए प्लस ओ सी ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ सी एंड ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा ओ सी, राइट इन शॉर्ट कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर ले रहे हो ओ ए प्लस ओ बी, राइट सो क्या मिलेगा ओ सी, राइट सेम वे में ओ ए प्लस ओ बी ले रहे हो ओ ए प्लस ओ बी तो क्या मिलेगा ओ सी एंड देन ओ ए प्लस ए सी, राइट कि ये हमारा ओ ए एंड ये हमारा ए सी, इसके लिए भी आंसर क्या मिलेगा ए प्लस बी, राइट दैट मीन्स कि ओ सी आंसर मिलेगा। तो ये ट्राइंगल के लिए और ये ट्राइंगल के लिए दोनों के लिए बात तो हमें एक ही करनी है, राइट सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके सो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एडिशन की ओर, राइट सो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एडिशन में फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टोटल फोर प्रॉपर्टीज देखनी है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, राइट जो आप लोगों को पता ही है वही फोर प्रॉपर्टीज हमें वेक्टर्स के लिए भी देखनी है कि सभी जो प्रॉपर्टीज है वो वेक्टर्स के लिए भी ट्रू है, राइट कि अगर आप लोग ले रहे हो दो वेक्टर्स ए एंड बी, राइट सो ऑब्वियसली ये चीज ट्रू होगी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन वेक्टर एडिशन, राइट सो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी सेम मैंने बोला वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट और ये जो प्रॉपर्टी है वो वेक्टर्स में भी ट्रू होती है कि वेक्टर एडिशन अगर आप लोग कर रहे हो तो वो ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, राइट अब ये चीजें जो है वो आप लोगों को फिगर से भी अंडरस्टैंड करनी हो तो आप लोग इजीली कर सकते हो, राइट कि आप लोग देखो कि आप लोग ये पैरेललोग्राम बनाओगे, राइट जब भी वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग तब तो ये आप लोग फाइंड करोगे ए प्लस बी एंड यहाँ से आप लोग अगर देखोगे तो क्या मिलेगा बी प्लस ए, बट आंसर तो दोनों का एक ही वेक्टर मिलेगा ना ए से लेके सी, तो बात तो एक ही हुई, राइट इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती है। सेम अगर आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखोगे तो भी आप लोगों को सेम ही चीज मिलेगी, राइट कि आप लोग दो वेक्टर ले रहे हो ए, राइट दो वेक्टर अगर आप लोग ले रहे हो ए एंड बी, राइट देन उसका एडिशन क्या होगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी के साथ भी हमें एक वेक्टर का एडिशन करना है तो हम लोग यहाँ पे कोई वेक्टर ले लेंगे सी, तो ये हमें उसका एडिशन मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब सेम आप लोग सपोज ले लो पहले b एंड c, तो उसका एडिशन कुछ इस तरह मिलेगा b प्लस सी, उसमें a ऐड कर लो तो फाइनली मिलना तो वही है ना a प्लस बी प्लस सी, राइट सो कुछ इस तरह के आप लोगों के लिए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती राइट नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी, राइट सो आइडेंटिटी की बात करें तो हमें पता है कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है जीरो, राइट तो सेम मैनर में जो जीरो वेक्टर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर में आप लोग जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो वापस से आप लोगों को आंसर वही वेक्टर मिलेगा, राइट सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन, राइट सो ये बात हो गई वेक्टर एडिशन की, राइट हम लोग उसके इनवर्स एलिमेंट की बात करें उससे पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर।
राइट सो ये जो चीज है वो हमें देखनी है, राइट अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो ऑब्वियस है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर है, तो हमें वहां पे कोई भी वेक्टर का कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज हम लोग ले लेते हैं कि ए बार इज अ वेक्टर, राइट, एंड लैम्बडा इज सम स्केलर, तो उसके मल्टीप्लीकेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे लैम्बडा ए बार, राइट, दैट मीन्स कि लैम्बडा इनटू वेक्टर ए, राइट, और इसे हम लोग कहेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय द स्केलर लैम्बडा, राइट। अब ऑब्वियस है कि ए अगर आप लोग ले रहे हो एंड लैम्बडा ए ले रहे हो तो दोनों होंगे तो पैरेलली, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ आप लोगों को कोई स्केलर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। इन शॉर्ट ए एंड लैम्बडा ए अगर आप लोग कभी भी डिस्कस कर रहे हो तो वो दोनों वेक्टर जो है वो कैसे होंगे, कोलिनियर ही होंगे। हमने पैरेलल लाइंस की जैसे बात की थी कि पैरेलल लाइंस के इक्वेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, कुछ वैसे कि अगर आप लोग वेक्टर ए ड्रॉ करो या तो फिर लैम्बडा ए ड्रॉ करो, वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, तो दोनों पैरेलल तो होंगे ही, राइट, एंड पैरेलल है तो कोलिनियर भी होंगे, राइट। मे बी शायद उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्योंकि कोई स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि दोनों जो वेक्टर्स है वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, राइट। उसके बाद हमें देखना है कि अगर आप लोग लैम्बडा ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो वहां पे हम लोग उसे किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ लैम्बडा इनटू ए का मैग्नीट्यूड, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सो वहां पे आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई हो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो पहले तो वो स्केलर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस है, राइट, एंड उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में क्या ले लेना है, ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है, राइट। सो ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोगों को कुछ फिगर में भी वेक्टर डिनोट करके दिए हुए हैं कि आप लोग किस तरह से हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप लोग सपोज ये वेक्टर ए ले रहे हो तो उसके साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2, 2, -1/2, -2 है। अब ये होंगे तो सारे पैरेलली, तो ये सारे कोलिनियर होंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट उससे कोलिनियर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिगर देख सकते हो कि आप लोगों को किस तरह से फिगर्स देखनी है, राइट। अब एक इम्पोर्टेंट थिंग, ये हमने जैसे बोला कि एडिशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमें वहां पे एडिटिव इनवर्स कौन सा मिलेगा, राइट। हमने एडिटिव आइडेंटिटी की तो बात की, अब सपोज आप लोग ले रहे हो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए, राइट। एंड ये जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है लैम्बडा ए का एंड माइनस ए का सेम होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, राइट, और इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस ए को नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए, राइट, एंड इसीलिए ये जो कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू होगी और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, राइट। सो हमारा जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, राइट, और उसे हम लोग कहेंगे एडिटिव इनवर्स, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस ए, राइट। अब एक और थिंग कि आप लोगों को याद हो तो हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था, राइट। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो हमें 0, 1 मिलना चाहिए, राइट। सो सपोज आप लोग एज्यूम करो कि आप लोग लैम्बडा इज इक्वल्स टू ले रहे हो 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। सो आप लोगों के पास ये कंडीशन है कि लैम्बडा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
अब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा ले रहे हो तो यही चीज वापस मिलेगी, तो हमने लिखा एंड उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ए का मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या मिला? 1। अब इसका आंसर अगर हम लोग लैम्बडा की वैल्यू 1/a ले रहे हैं और उसका आंसर हमें 1 मिल रहा है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हम लोग ए के फाइंड कर रहे हैं दैट मीन्स कि पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, राइट। सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये जो चीज है वो ऑलवेज हमें यूनिट वेक्टर ही देगी। आप लोग कभी भी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करोगे तो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा, राइट। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि लैम्बडा ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो अब जब भी हम लोग क्वेश्चन में अगर हमें बोला हुआ है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो तो हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद हमें दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, राइट। अब कंपोनेंट्स में क्या है कि आप लोगों को क्या कंसीडर करना है? एक और चीज की यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है ये कि जीरो के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में जीरो ही मिलेगा, राइट। और वो चीज आप लोगों को पता है। और अब हमें देखना है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आप लोग उसको किस तरह से डिनोट करते हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। सो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करके दी हुई है। वहां पे एग्जैक्टली होता क्या है कि आप लोगों को तीनों एक्सिस पे पॉइंट लेना है, राइट, कि 100, 010 एंड 001। अब सभी का अगर आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, इसको ए बी सी बोला हुआ है, तो ओरिजिन से लेके अगर आप लोग ये पॉइंट्स तक मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि सभी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल भी है एंड 1 भी है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर्स। एंड ये जो यूनिट वेक्टर्स है इस तरह से जो हमें मिलते हैं उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आप लोगों को ये ऑलवेज ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप की, तो वो ऑलवेज यूनिट वेक्टर्स होंगे अलोंग गिवन एक्सिस, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो उसी के बेस पर हमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को अब ये फिगर पता है, राइट। ये आप लोग कोई कोऑर्डिनेट ले रहे हो पी एक्स वाई जेड, तो हमें अगर ओ से लेके पी तक का वेक्टर फाइंड करना है, राइट, दैट मीन्स कि आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पहले तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये 1 होगा ओ से लेके पी 1, फिर ये ओ से लेके आर एंड ओ से लेके एस, ये तीनों, राइट। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को वही मिलेंगे ना, और हमें पता है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर से अलोंग एक्सिस, राइट। सो ओ आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? जेड के कैप, राइट। सेम वे में ओपी इज इक्वल्स टू क्या होगा? वाई के कैप, राइट। ये हम लोग ओरिजिन से ओ पी ओ एस एंड ओ आर की बात कर रहे हैं, और ओ क्यू क्या मिलेगा? एक्स आई कैप। और यही तीनों तो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड, तो हम लोग इसका यूज करके क्या लिख सकते हैं कि फाइनल आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा? कि तीनों का एडिशन, कि अगर आप लोग ओपी फाइंड कर रहे हो दैट मीन्स कि वेक्टर आर फाइंड कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। हमने वेक्टर एडिशन के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। आप लोग वेक्टर अगर आर फाइंड कर रहे हो तो कुछ इस तरह से आप लोग 3D में उसे फाइंड कर सकते हो, राइट। और ये हम लोग उसे क्या कहेंगे? वेक्टर, इस वेक्टर को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? कंपोनेंट फॉर्म, राइट। ऑलरेडी हमें पता है कि अगर आर डायरेक्टली फाइंड करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं,
राइट right? बट यहाँ पे आप लोगों को किसके लिए बात करनी है, यूनिट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो आप लोगों का आर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोनेंट फॉर्म, और जो हमारा एक्स वाई जेड है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स, एंड जो ये हमारे आई कैप जे कैप के कैप है वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स राइट ऑफ आर अलोंग रिस्पेक्टिव एक्सिस राइट। अब ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को ऑलवेज ध्यान में रखनी है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हुआ होता है कि आप लोग वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड करो या स्केलर कंपोनेंट्स फाइंड करो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्केलर कंपोनेंट्स मीन्स एक्स वाई जेड एंड वेक्टर कंपोनेंट्स मीन्स आई कैप जे कैप एंड के कैप राइट। एंड जो हमारे एक्स वाई जेड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स एट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो उसे हम लोग कभी कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं राइट। और ऑब्वियस है कि आप लोग आर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा, ओरिजिन से बात कर रहे हो पर्टिकुलर पॉइंट की, तो हमें पता है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर राइट। और ये चीज एज अ फॉर्मूला अब आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग आर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम लोग ऑलवेज वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप राइट। एंड जब भी हमें इस फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है, आप लोगों को उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो आप लोग इसी तरह से फाइंड करोगे। और हमने पहले भी देखा था कि अगर आप लोग ओ पी देखते हो, ओ से पी, तो वो नथिंग बट डिस्टेंस ही है, और उसकी फॉर्मूला यही है राइट। हमने सिर्फ उसको कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, बात वही है जो हमने पहले की थी राइट। सो वो चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ओके। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ रिजल्ट की राइट। जैसे आप लोगों ने अभी अभी देखा कि एडिशन सब्स्ट्रैक्शन की बात की, तो अगर आप लोगों को दो वेक्टर दिए हुए हैं ये फॉर्म में कि ए वन आई कैप प्लस ए टू आई कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, देन उसका एडिशन जब आप लोग कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का एडिशन होगा, दैट मीन्स कि आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ एंड के कैप का के कैप के साथ राइट। सो आप लोगों को क्या करना है कि अगर दो वेक्टर्स का आप लोग एडिशन कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के साथ ही एलिमेंट्स का एडिशन जो है वो करना है राइट। सेम चीज सब्स्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगी राइट। एंड नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है कि द वेक्टर्स जो है ए एंड बी वो दोनों इक्वल होंगे, बट कब होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी कि ए वन बी वन ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री सभी क्या हमें मिले, इक्वल मिले राइट। सो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर है वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल्स राइट। एंड अगर आप लोग कोई भी वेक्टर को कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके सभी जो कंपोनेंट्स है वो वही स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होंगे राइट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ओके। कुछ और हमें रिजल्ट दिए हुए हैं वो भी आप लोगों को एज अ फॉर्म्यूला ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग ए एंड बी टू वेक्टर ले रहे हो एंड दो स्केलर ले रहे हो तो ये जो थ्री प्रॉपर्टीज है वो ऑलवेज ट्रू होगी कि के ए प्लस एम ए है तो दोनों में से ए वेक्टर कॉमन निकाल के के प्लस एम का एडिशन करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो राइट। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप लोग उसे ब्रैकेट अलग करके पहले ये मल्टीप्लाई करो या तो दूसरा मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोग उसे लिख सकते हो। एंड कोई स्केलर के साथ दो वेक्टर का एडिशन है तो आप उसे सेपरेट एडिशन दे सकते हो राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब कुछ रिमार्क्स हैं वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं राइट, सो ये दो वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर कब होंगे राइट। सो इसको एज अ फॉर्मूला ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर्स अगर इस टाइप के आप लोगों को गिवन है
तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो दोनों वेक्टर्स कोलीनियर होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी वेक्टर्स की कोलीनियरिटी चेक करने के लिए बोला हुआ हो तो जस्ट यू हैव टू चेक b1 बाय a1, b2 बाय a2 एंड b3 बाय a3। सभी का आंसर हमें लैम्ब्डा मतलब कि सेम मिलना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कोलीनियर हैं, राइट। अब सपोज आप लोग कोई वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हो तो ऑब्वियस है a1, a2, a3 क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि हम लोग वहां पे एक्स वाई जेड को, मैंने पहले भी हमने स्टार्टिंग में ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि एक्स वाई जेड इज नथिंग बट व्हाट, डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ पे हमने उसको a1, a2, a3 से रिप्रेजेंट किया है तो वो ऑलवेज क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ही होंगे, राइट। एंड LMN हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस, तो उसे भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो कुछ इस केस में आप लोगों को वेक्टर दिया हुआ हो तो वहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आइदर LMN दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। सो आप लोगों को ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं। राइट कि नेक्स्ट आप लोगों को क्या देखना है कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब ये चीज आप लोगों को पता ही है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने लर्न की हुई है, राइट। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की जब हम लोग बात करते हैं सो कुछ इस तरह की उसकी फिगर होगी कि दो वेक्टर्स आप लोग ले रहे हो, उसका ज्वाइन, उसको ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर, तो ऑब्वियसली हमें फाइंड क्या करना है, p1 से p2 का डिस्टेंस। अब p1 आप लोग ले लो x1 y1 z1 एंड p2 आप लोग ले लो x2 y2 z2, राइट। सो वहां पे आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, पता ही है कि आप लोगों को वहां पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट मीन्स की डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा, राइट। और जब भी आप लोगों को फाइंड करना हो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स तो आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज करनी है, और वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को फाइंड करना है, राइट। ये सारी चीज में आप लोगों को सिर्फ एक बार फिगर देखनी है एंड फॉर्मूला याद रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ओके। एंड लास्ट वन जो चीज आप लोगों को लर्न करनी है वो है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में 3D के लिए देखी थी, राइट। वहां पे वेक्टर्स नहीं थे, वहां पे पॉइंट्स थे, यहाँ पे वेक्टर्स के लिए देखनी है, बट बात तो वही करनी है। यहाँ पे भी दो तरह से इंटरसेक्शन हो सकता है, मतलब कि उसके सेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं, फर्स्ट वन इज इंटरनली एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नली। अब इंटरनली कर रहे हो तो NMN आप लोगों का जो R है वो Q एंड P को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, राइट। एंड आप लोगों को अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी हो तो आप लोगों का जो इंटरनली है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी कि नॉर्मली हम लोग फाइंड क्या करते हैं, R, राइट। सो R के लिए क्या मिलेगा आप लोगों को, MB bar + NA bar / M + N, राइट। आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, ये चीज आप लोगों को दी हुई है कि RQ क्या होगा B - R, PR क्या होगा R - A, एंड देन आप लोग ये चीज मिलेगी, तो आप लोग अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को R की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसा क्यों होगा वो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों को दो गिवन वेक्टर दिए हुए वो इक्वल ही होंगे, राइट। सो B - R के साथ m मल्टीप्लाई करोगे एंड R - A के साथ n मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। बट आप लोगों को प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है, राइट। सो आप लोगों को सिर्फ कितना पोर्शन याद रखना है, ये कि पोजिशन वेक्टर R विच डिवाइड्स PQ इंटरनली इन रेशियो m/n इज गिवन बाय दिस, QR लिखो या तो R लिखो, आप लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगी, राइट। एंड सेम वे में आप लोगों को बात करनी है एक्सटर्नली की, राइट। सो उसमें नेगेटिव साइन होगी, राइट, क्योंकि आप लोगों का जो वेक्टर है वो यहाँ पे रिवर्स जाएगा, राइट।
सो आप लोगों को क्या फाइंड करना है कि अगर आप लोगों का लाइन सेगमेंट है जो वो उसको m बाय n रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को उसकी फॉर्मूला मिलेगी, राइट। एंड आप लोगों को पता ही है कि इनकेस अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, a प्लस बी बाय टू। फॉर्मूला सेम है, कुछ नया नहीं है, जो हमने पहले भी सेक्शन फॉर्मूला में देखा था। यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होगा, वेक्टर्स यूज होंगे और वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज हमने देखी उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, राइट। सो ये फॉर्मूलाज जो हमने अभी देखी वो सारी आप लोगों को याद रखनी है, लर्न करनी है एंड नोटबुक में लिखनी भी है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो ये हमने बात की सेक्शन फॉर्मूला की, राइट। और हमने अभी जितने भी एडिशन वेक्टर एडिशन से लेके सेक्शन फॉर्मूला तक जितनी भी फॉर्मूला मैंने बताई वो सारी आप लोगों को याद रखनी है, राइट। सो इन सभी का यूज करके हम लोगों को हमारी एक्सरसाइज 10.2 करनी है। सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू।